तो गेमर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मैक्स रक्स गेमिंग में। तो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक ट्रेडिंग फार्म नेदर में, जो कि होगा हमारे पिगलिंग्स का। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं बनाना। पहले बेसिक चीज़ें निकाल लेते हैं हम, जो कि है ये चेस्ट। तब खुदाई करनी पड़ेगी हमें। कुछ ऐसा खड्डा करना है आपको, ये एक ब्लॉक इधर तक रखना है आपको, और इधर आपका ऐसे चेस्ट रखना है और एक ब्लॉक रखा है। तो अब आपको, आप इस चेस्ट को ओपन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये खुलने वाला है। तो वैसे ही मैं दूसरे भी बना लेता हूँ जल्दी से। गाइस, हो चुका है इतना कुछ काम हमारा। तो अब हमें इधर रखना पड़ेंगे थोड़े से ग्लास और थोड़े से ब्लॉक, क्योंकि मैं ब्रिक्स लाया हूँ, क्योंकि वो अच्छे से दिखेंगे हमें। थोड़े से डर्ट भी निकाल ही देते हैं, काम आ जाएंगे। पहले हॉपर रख देते हैं, तो फिर हमें आइडिया आ जाएगा कि हॉपर कहाँ रखना है। तो कुछ चेस्ट रखना है आपको हॉपर, हमने सभी चेस्ट के ऊपर हॉपर लगा दिए हैं। तो अब इन्हें कवर करना है हमें कुछ इस तरीके से, और इधर एक आएगा, और नहीं इधर नीचे वाले का आएगा। और इधर आएगा ड्रॉपर इस तरीके से, आप देख सकते हो कैसे ड्रॉपर आ रहा है। तो गाइस, पहले मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। तो ये वाले ब्लॉक थोड़े चाहिए हमें, कुछ तरीके से आपको रखना है। और इधर भी एक ब्लॉक आएगा कुछ इस तरीके से, एक ज़्यादा लगाना हाँ। और इधर भी, इधर ब्लॉक ही रख देते हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा बनाना है आपको। तो आगे हम ग्लास रख देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक और काम करना है, जो कि हम कर देते हैं अभी। तो इस तरफ हॉपर की ओर ऐसे हमें रखा था एक कंपेरेटर, और इधर लगाना हमें एक रिपीटर, और
इधर एक स्लॉट आएगा, तो इधर हमारी एक रेडस्टोन टॉर्च लगेगी ऐसे, और थोड़ा सा रेडस्टोन निकालना पड़ेगा जो कि ऐसे लगेगा। तो कनेक्ट हो जा, नहीं होगा। और अब कनेक्ट होगा कि नहीं, इस वाले ब्लॉक को निकाल के देखते हैं। हाँ गाइस, अब कनेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। और अब इधर हम ग्लास रख देते हैं, तो उसके ऊपर लग पाएगा। हाँ लग गया कुछ इस तरीके से। और अब हमें इधर पिगलिन लाना है। पिगलिन को हमें लाना पड़ेगा। तो मैं गोल्ड तो लाया ही नहीं गाइस, मैं थोड़ा बहुत गोल्ड लेके आ चुका हूँ। तो इसे जो ब्लॉक है इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंगट में। तो ओके, हो चुका है ये कन्वर्ट। तो अब देखते हैं तो रास्ता में देख लूँगा। तो गाइस फाइनली हमने पिगलिन को अंदर भेज दिया है बड़ी मुश्किल से। तो अब ये गलत ही हटानी पड़ेगी मुझे। तो गाइस ऐसे ही आप भी अपने पिगलिन को पकड़ सकते हो। और आपके पास दूसरा तरीका है तो वो भी अजमा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें रखना पड़ेगा ऑफर में, एक ब्लॉक रखना पड़ेगा, ब्लॉक नहीं कोई भी चलेगा। तो थोड़े से हम इसका रखते हैं ये, और एक हम इसमें रख देते हैं हॉपर में। हम देखिए अब एक काम कर, क्या हुआ इसके साथ जुड़ा नहीं है क्या? अबे कुछ इस तरीके से अब हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने तीन पिगलिन को पकड़ लिया है। तो अब थोड़ा सा गोल्ड बना लेते हैं। हाँ तो इतना गोल्ड तो काफ़ी है, तो थोड़ा थोड़ा तीनों को इसमें रख लेते हैं। तीन वाला थोड़ा साइड में निकाल लेते हैं, और सभी में और ये तीन हम चेस्ट में रखने वाला हैं। चेस्ट में नहीं, हॉपर में। तो कुछ इस तरीके से बाद में देखेंगे ये क्या देते हैं हमें। कुछ इस तरीके से काम करता है ये। इन तीनों को गोल्ड मिल चुका है, तो देखते हैं इसने कुछ दिया है। तो उसने एक गोल्ड इंगट दिया है, इसने भी गोल्ड इंगट और फायर चार्ज, इसने गोल्ड इंगट और फायर चार्ज दिया है। और गाइस ऐसे ये देते ही जाएंगे। तो इसने क्राइंग ऑक्सीजन दे दिया है हमें, इसने कुछ दिया क्या, ग्रेवल दी है, तो इसने कुछ नहीं दिया।
गाइस कुछ ऐसा ही काम करता है हमारा ये वाला फार्म। तो गाइस आप भी इस वीडियो को देख के ये वाला फार्म बना सकते हो एकदम इजीली। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Settle down in the place of dreams, flow.